नमस्कार, मैं एकता गुप्ता हाजिर हूँ हंगामा टाइम्स में। और आज के लिए जो बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस के लिए, जहां विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस का दिग्गज चेहरा जितिन प्रसाद प्रियंका और राहुल के करीबी माने जा रहे जितिन प्रसाद ने कांग्रेस से कहा है बाय बाय और भाजपा का दामन थाम लिया है। जहां विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस को इतना बड़ा झटका लगा है, उससे संभल पाना अभी कांग्रेस के लिए काफी नहीं था कि अब एक और झटका, जिसे अब हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है जितिन के भाजपा में शामिल होने के बाद का। आइए नजर डालते हैं कांग्रेस से बाय बाय कहने वाले जितिन प्रसाद के इस खबर पर एक नजर। जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने पर मुख्यमंत्री योगी ने किया स्वागत, बोले पार्टी को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर जितिन प्रसाद का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस छोड़कर भाजपा के वृहद परिवार में शामिल होने पर जितिन प्रसाद का स्वागत है। जितिन प्रसाद के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में पार्टी की अवश्य मजबूती मिलेगी। अब आइए आपको बताते हैं कौन है जितिन प्रसाद। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका दे दिया है राहुल और प्रियंका के करीबी। जितिन प्रसाद ने क्यों छोड़ी पार्टी, क्या भाजपा को मिल पाएगा इससे फायदा? आपको बता दें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के एक और करीबी जितिन प्रसाद आज भाजपा में शामिल हो गए। ये जितिन प्रसाद वही है जिन्हें प्रियंका गांधी का बेहद करीबी नेता माना जाता था, और पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अगले अभियान में इन्हें बहुत अहम जिम्मेदारी देने जा रही थी। जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय सचिव की भूमिका निभा चुके हैं, तो यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस ने जितिन प्रसाद को भले ही बहुत कुछ दिया हो, लेकिन आज उन सभी चीजों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। इसके पहले राहुल के करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल का दामन थाम लिया था। भाजपा के एक शीर्ष नेता के अनुसार जितिन प्रसाद के भाजपा खेमे में आने की अटकलें बहुत पहले से लगाई जा रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले भी वे भाजपा नेता के संपर्क में थे और पार्टी ज्वाइन करने के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन इस बात की खबर मीडिया में आ जाने के बाद प्रियंका गांधी ने उन्हें संभाला और पार्टी में ज़रूरी भूमिका देने की बात कहकर उन्होंने भाजपा में जाने से रोका था। आपको बता दें, जितिन प्रसाद को चंद दिनों पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जितिन प्रसाद वहां भी कोई करिश्मा नहीं दिखा सके। उनके नेतृत्व में पार्टी की सीटें न केवल शून्य हो गई, कांग्रेस के वोट प्रतिशत में भी लगभग 10% की रिकॉर्ड कमी हुई थी। 6 दिनों पहले G23 के नेताओं का पत्र मीडिया का सुर्खियां बन गया था। कांग्रेस के शीर्ष 23 नेताओं ने पार्टी आला कमान सोनिया गांधी का पत्र लिखकर पार्टी में चुनाव कराए जाने की मांग की थी। इन नेताओं में भी जितिन प्रसाद शामिल थे और इस पत्र पर उन्होंने भी हस्ताक्षर किया था, यानी कांग्रेस आला कमान से उनकी नाराजगी पहले से ही सामने आ गई थी। जितिन प्रसाद को भाजपा में आने के बदले में क्या मिलने की डील हुई है, अभी तो यह साफ नहीं है। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में लाकर पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज चुकी है। जितिन प्रसाद को भी राज्यसभा भेजे जाने की संभावना बन सकती है, लेकिन एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण जगह देकर चुनाव में उतारा जाए, जिससे वे अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए अहम साबित हो सकें। इस बात में दम इसलिए भी है क्योंकि बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार हाल ही में घटी कुछ घटनाओं के बाद रोक दिया गया था। अब नई परिस्थितियों में उन्हें योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल विस्तार में जगह देने की संभावना बन सकती है। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।